तो आ गए फिर से। क्या बोला तूने? लेकर आ चुका हूँ हाउ टू फिक्स अ लैग इन माइनक्राफ्ट, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस पर सबसे ज़्यादा लैग फिक्स पर वोट आए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ हाउ टू फिक्स अ लैग इन लो एंड डिवाइस इन माइनक्राफ्ट। जब से 1.16 आया है तो माइनक्राफ्ट में तो लो एंड डिवाइस से भरोसा ही छूट गया है। तो बिना बकचोदी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। जब आप वर्ल्ड अपना बनाते हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन डिस्टेंस को चंक्स बहुत हाई रखते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल लो पर रखना है, ना कि 6 रखना है, बिल्कुल 4 कर लेना है। और सेकंड स्टेप, अगर आपको भी जानना है ये ऑप्टिफाइल मैंने कहाँ से करा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना याद से। तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। आपको सेटिंग में चले जाना है और वहाँ पर जाके आपको ये ब्यूटीफुल स्काइज, रेंडर क्लाउड्स और स्मूथ लाइटनिंग, फैंसी ग्राफिक्स, ये सब बंद कर देने हैं। इनसे क्या होता है, ब्यूटीफुल स्काइज आते हैं, जितने ज़्यादा पार्टिकल और जितना ज़्यादा हैवी आप खेलोगे उतना आपका लैग होएगा। तो बिना देरी करें इन चीज़ों को बंद कर देना है। और आपको अपना फो क्या है, अगर ज़्यादा रखना है तो आप 95 या 110 रख सकते हैं। और आपने देख सकते हैं कोई कोई अपने रेंडर डिस्टेंस 10 चंक्स पे रखता है या फिर 8 चंक्स पे। तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल 5 पे कर देना है। और 5 पे करने के बाद आपको अपना गेम देखिए बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्स पैक डाउनलोड कर लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सिंपली एक ऑप्टिफाइन कर लेना है और कुछ नहीं करना। और शेडर्स अगर आपका 4 GB का रैम का फ़ोन है तो ही लगाओ, वरना फिर बिना शेडर्स के ही खेलो यार। माइनक्राफ्ट तो वैसे भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको लगाने ही है तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा लो एंड शेडर्स की, वो लगा लेना। और सबसे पहले आपको बिना ये कोई सा भी शेडर्स वेडर्स या फिर रिसोर्स पैक नहीं लगाना है, सिंपली आपको बस एक ऑप्टिफाइन लगा लेना है। स्टेप की तरफ, अब मैं आपको बहुत सारे TNT फोड़ कर दिखाता हूँ कि मेरा गेम लैग होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं TNT ले लेता हूँ। तो ये मैंने TNT ले लिए हैं, अब मैंने जल्दी से फोड़ता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे TNT लगा दिए हैं, अब मैंने फोड़ता हूँ। बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला मेरा गेम। ये थोड़ा बहुत भी जो लैग हो रहा है ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है। एक तो मेरा 3 GB रैम का फ़ोन है और ऊपर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर भी इतना लैग नहीं हो रहा है। और क्या ले सकते हो भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लैग नहीं चाहिए तो आपको ज़्यादा अच्छा डिवाइस चाहिए। और वैसे तो थोड़ा बहुत लैग तो आपको सहना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी लैग नहीं हो रहा, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।